एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए गाइज, और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे सोम्या सीन है, देख सकते हो। गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। फ्रीज में क्यों घुसी जा रही हो? गुड मॉर्निंग। तो गाइज अभी देख सकते हो लुक वाइज मैं कहाँ हूँ, तो किचन में हूँ और मैं एकदम सिंपल सब्जी बना रही हूँ। तो मैं सोची आप लोग से रेसिपी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई चली हुई है, यहाँ पे ऑयल का डब्बा खुल रहा है, तो थोड़ी सी इसमें ऐड कर देती हूँ ऑयल। थोड़ी सी ऑयल ऐड करती हूँ, और जितनी सिंपल है उतनी ही टेस्टी बनती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। ओके, और बना के मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा मेरा रेसिपी। तो ब्लॉग में बने रहिए गाइज, और ब्लॉग में आगे बढ़ने से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज बता दूं, डे है संडे, तो थोड़ा सा उठने में लेट हो गया है। तो अभी 7:30 हो रही है, मैं चाय पी ली हूँ, और चाय पीने के बाद यहाँ पे सोची सब्जी बनाने लगूँ। बच्चे ब्रश कर रहे हैं, तो मैं दोनों को दूध दे दूँगी अभी, और थोड़ी देर में बन जाएगी ब्रेकफास्ट, तो फिर ब्रेकफास्ट करवा दूंगी। तो इसमें मैं देखो ऐड कर दी मैं जीरा, और दो सूखे लाल मिर्च ऐड कर दूंगी। इसे चटकने दूंगी अच्छे से, और यहाँ पे एक बारीक प्याज कट कर ली हूँ। अभी इसमें प्याज ऐड कर देती हूँ, और प्याज को जब तक फ्राई करूंगी जब तक ये गोल्डन रेड ना हो जाए, जब तक हमें फ्राई करना है। ये बहुत सिंपल है, मैं सिंपल सब्जी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि हमारे बच्चे को ज़्यादा पसंद नहीं है सब्जी, ग्रीन सब्जी तो बिल्कुल भी उन लोग नहीं खाना पसंद करते हैं, ओनली गोभी खाना पसंद करते हैं। तो अभी गोभी की सीजन है नहीं, बीच में उधर आ भी रहा था गोभी वाला, अभी तो आ अभी नहीं रहा, सॉरी गाइस, खांसी ऐसे ठीक हो गई है बट कभी कभी आ जाती है। तो मैं बना रही हूँ आलू वाली, दही वाली आलू। तो ये है यूपी का फेमस रेसिपी, तो मैं वहीं से सीखी थी, गुड़गांव में थी उस टाइम मैं सीखी थी, तो मुझे अच्छा लगता था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत वो खाते थे। तो मैं सोची आज चलो वही बना लेती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं, तो मैं बना रही हूँ वही, और उसके बाद लगूंगी मैं सफाई में। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्याज फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड कर देती हूँ मसाला, तो इसमें थोड़ी सी धनिया हल्दी पाउडर, कुछ भी बोल जाती हूँ, थोड़ी सी धनिया हल्दी पाउडर, थोड़ी बार बार धनिया पाउडर आ रहा है क्योंकि नेक्स्ट धनिया पाउडर हमें ऐड करना है, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर क्योंकि हम बच्चे के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा तीखा नहीं खाना पसंद करते हैं, तो थोड़ी सी ऐड करूँगी रेड चिल्ली पाउडर, और आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। आप तीखा खाना पसंद करते हो तो थोड़ा तीखा कर सकते हो। और इसमें ध्यान रखना है कि 2 सूखी लाल मिर्च मैं पहले भी ऐड की हूँ, और बस इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, और इसमें अब मिक्स कर देंगे दही। तो गाइस इसमें मेरी दही है, इतना नहीं ऐड करूँगी, थोड़ी सी करूँगी, बट दोबारा मैं दूसरा बर्तन गंदा करने की वजह से इसी से ऐड करती हूँ। और दही ऐड करने के बाद ये ध्यान देना है कि हमें इसे छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है, नहीं तो हमारी दही फट जाएगी। तो इसमें जब तक ऑयल नहीं आ जाए जब तक इसे चलाते रहूँगी, और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी अभी, इसी तरीके से चलाना है जब तक इसमें ऑयल ना आ जाए। गाइस देख सकते हैं इसमें अच्छी ऑयल आ गई है, जब तक ऑयल नहीं आई थी मैं इसे चलाना बंद नहीं की थी, कंटिन्यू चला रही थी क्योंकि अगर दही फट जाती तो बेकार सा दिखता। और इसमें अब ऐड कर देती हूँ मैं बॉयल किया हुआ आलू, बॉयल किया हुआ आलू को हैंड से मैं तोड़ ली थी, और इसे ऐड कर देती हूँ, इसे 2 से 3 मिनट दही के साथ पकाऊंगी, और
और बस कितनी जल्दी झटपट बन जाती है ये सब्जी, आप देख सकते हो। तो इसे 2 से 3 मिनट पकाऊंगी क्योंकि आलू के अंदर तक दही का टेस्ट होना चाहिए, तो इसलिए 2 से 3 मिनट तक मैं पकाऊंगी। और उसके बाद मैं थोड़ी सी हींग एंड गरम मसाला ऐड करूंगी। और यहाँ पे दोनों का दूध घोल के रखी हूँ, बट दोनों को पता नहीं है कहाँ निकल दी हैं। मॉर्निंग में ब्रश की हैं, ब्रश करके दोनों निकल दी हैं। संडे के दिन फुल मस्ती होती है उन लोगों का ही। तो अभी उन लोगों को भी आवाज़ लगा के अब बुलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी और बस फटाफट रोटी बनाऊंगी मैं। तो गाइस देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में आलू बॉयल कर ली हूँ दही के साथ। अभी इसमें ऐड कर देती हूँ मैं गरम मसाला, ये बिस्ट का गरम मसाला है। और ऐड कर दूंगी थोड़ी सी हींग, क्योंकि हींग मैं लास्ट में इसलिए ऐड करती हूँ ना कि मुझे हींग का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, और तड़के में दो तो उड़ सी जाती है, लास्ट में ऐड करने से वो खुशबू रह जाती है सब्जी में, तो इसलिए मैं लास्ट में हींग ऐड करती हूँ। तो थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी, क्योंकि ये हींग अच्छी है, तो थोड़ी सी ऐड कर दी हूँ। और बस अब इसे ढक के बंद कर देती हूँ गैस को। बन गई हमारी झटपट सब्जी। और यहाँ पे देख सकते हो आटा भी गूंथ गई है, तो कितना सारा आटा गूंथा जाता है, इसमें भी बच जाएगी अभी हमारा आटा, क्योंकि हम टोटल 8 रोटी बनाते हैं बस, इसमें हमारा हो जाता है ब्रेकफास्ट। नाइट में भी 8 रोटी और दोपहर में थोड़ी सी चावल, कुछ ज़िंदगी नहीं है बस। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये क्या है, आप बताना कमेंट करके क्या है ये, कौन कौन जानता है इसे। तो ये आया था, और सीताफल का पत्ता आया था, मतलब मैं घास पात खाते रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सब्जी वाले भैया से मूली का पत्ता ले ली थी, इसको देखो साफ करके मैं रखी हूँ, तो इसका साग मैं बनाऊंगी। और कल मैं बनाई थी कोहड़े के पत्ते का साग, तो मुझे ये सब पता नहीं बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मेरी सिस्टर बोल रही थी दी आप कुछ भी मतलब क्या क्या बना लेती हैं। मैं कल खाना खा रही थी तो वो फ़ोन की थी, तो पूछ रही थी दी क्या खा रही है, मैं बोली साग और चावल, तो किसकी साग, तो बोली मैं ओ कोहड़े के पत्ते के, तो करे दी आप क्या क्या बनाते रहनी है, तो दी उसकी साग पात खा लेती है, कुछ भी मिल जाए घास पात, है ना, खाने से पेट भरना है कैसे भी पेट भर जाए, और भर रही है बहुत अच्छी तरीके से भर रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाता के दाता राम, कोई ना कोई दे ही देते हैं, खा ही लेते हैं। और चलिए गाइस ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो आप लोग को रेसिपी कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई होगी तो एक लाइक ठोक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली टाटा बाय बाय, टेक केयर।